आज का दौर देखो क्या समाचार बन गया, स्टूडियो से नफरत फैलाना यहाँ व्यापार बन गया, खबर में भी छल झूठी लगती यहाँ बातें असल, बेच ईमान ये अपनी आमदनी चलाए, करे गांधी को बदनाम और फिर एकता के लिए ये शोर मचाए, माहौल को पहले ये बनाते हैं राख और फिर कहते कि कोई ना है देश में एक साथ, ये क्या खोलेंगे राज, सत्ता का संभाल रहे ये भी कामकाज, समाज को बांट ये मजे में है, हंसी और आराम इनके हक में है, रिमोट की तरह ये अवाम को चलाते हैं अपने हिसाब से, और जो करे बात किसान पे उनके काम पर सवाल है, मैं लेखक बांध लूंगा गले अपने, मौत के खौफ से क्या चुन लूं गलत सपने अपने, घर पर बैठ सुनी इनकी कहानियां, प्रोपेगेंडा चलाए ये बड़ी बड़ी कंपनियां, कमाए ये जिल्लत की रोटी और पढ़ाए लोगों को ईमानदारी का पाठ, टू डिवाइड पीपल इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ आर्ट, लोग कहेंगे कि रंजन तुझे है इतनी गलत फहमी क्यों, नजरिया बदल कर देख तेरा नजरिया बदलता नहीं क्यों, सच तो ये कि ये हो गए हैं बेकाऊ, आराम से एसी में बैठकर ये सोचे कि जनता को और कैसे मूर्ख बनाऊं, सच दिखाऊं या फिर अपना एजेंडा चलाऊं, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी बेस्ड न्यूज़ को सिर्फ मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने कब कहा कि इस दौर में भी मीडिया काम नहीं करती है, पर जो काम करे उसे ये लोग कहते कि ये देश विरोधी है, अपने अंदर झांक कर देखो, बचे हुए ईमान को टटोलो, कम जरफों के लिए आवाज उठाओ, बड़ी हस्तियों की हसरत को तो छोड़ो, क्या समझाने की कोशिश करी मीडिया ने उस किसान के जज्बात को जिसके फसल बर्बाद हुई, और क्या दिखाने की कोशिश हुई उसके टूटे हुए अरमान को, एक शख्स को मारा राम के नाम पे तो कोई चिल्लाता है अल्लाह के बंदे खौफ में, ये दोनों तरफ का शोर क्यों, झूठ दिखाने का लोभ क्यों, सच से इतना डर क्यों, और खबर में इतनी मिलावट क्यों, ये पूरी दिखावट क्यों, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का फिर भी इतनी खामोशी क्यों, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का फिर भी इतनी खामोशी क्यों, फिर भी इतनी खामोशी क्यों, साइनिंग आउट, पीस, बी हैप्पी।